एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं उसी जंगल के अंदर तीन प्लेयर आए हैं उसी बॉस से फाइट करने के लिए। मतलब इस जंगल का जो बॉस होता है उसी बॉस को हराने के लिए आए हैं वो तीनों। लेकिन गलती से वो लड़का उस जाल के ऊपर पैर रख देता है, जिसके चलते उन दो पीछे जो लड़कियां है उसे नज़र पड़ती है। उस स्पाइडर को देखते हुए वो दोनों लड़की एकदम ही भाई डर जाते हैं, और देख सकते हैं कि हाँ उस स्पाइडर का जो मतलब शेप है वो एक डिमोनिक फेस जैसा है, और ये देखने से वो तीनों भी डर जाते हैं। और बाद में दिखाया था सनरू को, मतलब सनरू से पहले वो तीनों गए थे। और यहाँ पर सनरू ने उस मकड़ी के जाले को देखते हुए समझ लिया कि हाँ उस जगह का बॉस कोई और नहीं, वो एक मकड़ी है। लेकिन सनरू उस जगह पर जाकर देखता है कि उस जगह के अंदर वो जा नहीं सकता क्योंकि अदर प्लेयर फाइटिंग कर रहे होते बॉस से। लेकिन उसी वक्त उन दोनों को सुनाई पड़ती है कि ऊपर से कोई गिर रहा है। हाँ ये वही लड़का है। ये देखते हुए सनरू की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, और देखते हैं वो लड़का अभी तक हार नहीं माना है। और अचानक उसके ऊपर एक चट्टान गिर जाती है, और इसे देखते हुए अमल एकदम ही डर जाता है। और जबकि प्लेयर हार चुके तब सनरू उस जगह के अंदर जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जब सनरू अंदर चला गया है तब उस जगह पर फिर से एरर आ जाती कि नो एंट्री। सनरू अंदर आ जाती और देखती कि हाँ ऊपर वही दो लड़कियाँ मतलब मर चुके हैं, और ईमेल उसके कंधे से नीचे आ जाती है और सनरू फिर से लड़ाई करने के लिए अपनी वेपन को निकालती है और रेडी हो जाता है बॉस के साथ फाइट करने के लिए। ज़ोरदार छलांग लगाते हुए ऊपर चलना शुरू कर देता है, और सनरू जितना ऊपर जाएगा उतनी जाली बहुत ही बढ़ जाएगी, और वो देख सकते हैं कि उसके ऊपर से एक चट्टान आ रही है जिसके चलते वो उस चट्टान को डॉच कर लेती है। सनरू ने दो चट्टान को डॉच कर लिया, लेकिन नीचे तो अमल है। हाँ अमल जैसे तैसे करते हुए खुद को बचा लेती है, लेकिन सनरू बिल्कुल भी रुकने वालों में से नहीं है। वो फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। सनरू एक जाले के ऊपर उठ जाता है, उसे नज़र आती है कि उसके ऊपर से बहुत सारे चट्टान आ रही है जिसके चलते वो अपने ताकत को यूज़ करता है। और ये सब कुछ देखते हुए नीचे से अमल कह रही ये तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये पर अमल को भागना होता है क्योंकि वो नीचे है और सभी पत्थर नीचे आ रहे हैं। एंड फाइनली सनरू उस स्पाइडर के सामने आ चुका है, और यहाँ पर शुरू होती है उन दोनों के बीच फाइट। सनरू ये पर अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक ज़ोरदार वार करती है, लेकिन उस वार से स्पाइडर को कुछ नहीं होता, इसलिए फिर से सनरू उसके ऊपर लगातार वार करता है, और इस बार स्पाइडर को बहुत चोट लगी इसके चलते वो नीचे गिर जाता है। सनरू यहाँ पर नोटिस करता है कि वो खुद को बचाने के लिए जालों का इस्तेमाल करता है, इसीलिए सनरू ने वैसा नहीं करने दिया, और जिसके चलते स्पाइडर खुद को बचा नहीं पाता इसलिए वो नीचे गिर जाता है। सनरू ये देखते हुए समझ लेता है कि इससे काम नहीं चलेगा, मतलब इससे भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है उसे हराने के लिए, इसीलिए सनरू ऊपर देखता है। उसे बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ अब वो सब कुछ गिराने वाला है उसके ऊपर, और हाँ स्पाइडर यहाँ पर जाग गया है, और सनरू के ऊपर जितना भी कुछ था वो सभी स्पाइडर के ऊपर गिरा देता है। सनरू यहाँ पर सभी जालों को काट देता है जिसके चलते सभी पत्थर नीचे गिर जाते हैं मतलब। और ये देखते हुए सनरू समझता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी तक नहीं मरा है, इसीलिए सनरू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नीचे आता है उस स्पाइडर के साथ फाइट करने के लिए, और स्पाइडर उसके ऊपर हमला करता है जिसके चलते सनरू डॉच करते हुए ऊपर जाता है, और उसके जो फेस जैसा उसके ऊपर जो फेस जैसा कुछ बना होता है उसे वो देख लेता है। और सनरू को ये देखते हुए याद आ जाता है हाँ उसी फॉक्स की बात, उसी यूनिक मॉन्स्टर के बारे में याद आ जाता है कि हाँ वो बहुत बुरी तरीके से हार गया था, लेकिन इसी के चलते वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा घातक वार करता है उसके ऊपर जिसके चलते वो स्पाइडर उस वार से बच नहीं पाता और मर जाता है। और यहाँ पर विनर इज सनरू। और यहाँ पर एक सरप्राइज वाली बात, हाँ प्रिंस नाइट से एक ईमेल आई है, और हम लोग यहाँ पर एक नए प्लेयर को भी देखते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं उस प्लेयर ने इस सांप को बहुत ही आसानी से हरा दिया है, जहाँ पर सनरू को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और ये कोई और नहीं ये सनरू का दोस्त है। हम लोगों ने देखा था सनरू एक गेम के अंदर एक दोस्त को कहा था कि सनगरी लफंटियर गेम एकदम ही अच्छा है, मतलब उसने बताया था इसके बारे में, इसलिए वो आई है इस गेम के अंदर।
और यहाँ पर वो एकदम रेडी है, मतलब इस गेम को खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। इसका नाम है ओइकाजो या फिर ओइकाजो। और सबसे बड़ी बात, ये एक लड़का है। और बाद में दिखाया जाता है उस गेम शॉप के अंदर रेग होता है, जहाँ पर वो मारना के साथ बातें कर रही है कि उसने सनर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और उसने एक से बी के लिया, इसलिए बहुत खुश है। रे यहाँ पर यह भी बताता है कि उसे एक बोर्डपाल बनी मिल गया है और सनर को यहाँ पर बहुत दिनों से इस गेम शॉप के अंदर नहीं आया है। और बाद में उस शॉप से बाहर आ जाती है, ये सब उस सोचते हैं कि हाँ वो एक अच्छा दोस्त बन चुका है उसका गेम के अंदर। और देख सकते हैं कि हाँ वो उसी के पास खड़ी है, मतलब एक दूसरे शॉप के अंदर। रे उसे देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आता है, और बाद में समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो वही है सनर को। और ये देखते हुए वो एकदम ही छुप जाता है, मतलब वो शर्मा जाती है इसे देखते हुए कि सनर को सामने खड़ी है। और सनर को यहाँ पर किसी एक लड़के के बारे में डिटेल्स ले रहा है, मतलब कि हाँ वो एक प्रो गेमर है। और यहाँ पर नोटिस करते हो जिस गेम को खेल रहे हो उस गेम के अंदर बहुत कुछ अपडेट आया है। और इस सब के बारे में सनर को ये कहता है कि, और इसी सभी के बारे में प्रिंसन नाइट ने पहले ही बता दिया था उन दोनों को। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो वो तीनों एक गेम के अंदर है और तीनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और इस गेम का जो मेन किरदार है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, कोई और नहीं वो आर्थर होता है, मतलब प्रिंसन नाइट। और यहाँ पर सनर को भी है और उसका दोस्त भी है। यहाँ पर सनर को और उसका दोस्त बहुत ही मजाक ही कर रहे होते हैं, मतलब आर्थर से, मतलब मजाक वाली बातें कर रहे होते हैं उससे, इसलिए आर्थर अपनी स्वॉर्ड को निकालती है, वो दोनों चुप हो जाते हैं। मतलब कि हाँ वो दोनों एकदम ही शॉक में रह जाते हैं कि हाँ वही तो उसी का जगह है। और यहाँ पर उन तीनों बीच बातें हो रही है यही कि वो तीनों उस गेम को एक साथ खेलने वाले हैं, मतलब वो तीनों इसी गेम को एक साथ खेलने वाले हैं, SLF को। आर्थर यहाँ पर कहते हैं अनोखे मॉन्स्टर वेदेमोन द टॉम गार्ड को बाहर निकालना चाहते हैं और सिर्फ हम तीनों के साथ। और ये बात सुनते हुए वो दोनों एकदम ही हैरान में पड़ जाते हैं कि अनोखे मॉन्स्टर के बारे में। और ये पर सनर का दोस्त बहुत ही एक्साइटेड है उसी अनोखे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। आर्थर यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए सनर को यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, मतलब हम तीनों को क्यों बता रही है इस बारे में। और सनर को यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, मतलब वो वेदमिन मैन की बात कर रहा है, सनर को पता नहीं कि वो कौन है। आर्थर ये पर सुनती है लेकिन वो कुछ नहीं बताती, वो बस ये कहती है कि मैं तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम दोनों राजी ना हो जाओ। सनर को ये पर बहुत चालाक होती है, इसलिए हाँ वो कह देती कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे बेहतर होगा तुम इसके बारे में सब कुछ हमें डिटेल्स में बताओ। और ये सब कुछ बातें हुई थी उन तीनों के बीच। और देखते हैं सनर के ऊपर बाहर आ चुकी है शॉप से सनरो को या फिर हिजोटोमो, और उसी के बीच रे मतलब उसे पुकारती है, लेकिन सनरो को बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ती है क्योंकि उसे पता नहीं किसका नाम क्या है। सनरो के ऊपर बहुत टेंशन में आ चुका है कि ये तो मतलब सेम ही क्लास के अंदर है लेकिन उसका नाम नहीं पता उसे। एंड फाइनली उसे उसका नाम याद आ जाता है। रे ये पर सनरो को कह रही है कि तुम तो सनगरो ला फ्रंटियर को खेल रहे हो, और सनरो कहता है कि हाँ मैं खेल रहा हूँ। और रे यहाँ पर कह रही है, कुछ कह रही कि ना हम दोनों एक साथ खेले, मतलब सब कुछ जो कुछ भी हुआ था सभी बताने की कोशिश करती लेकिन वो बता नहीं पाती है। उसी के बीच उसके मोबाइल के अंदर एक ईमेल आती है, मतलब एक मैसेज, और ये ईमेल होती है प्रिंसन नाइट से, मतलब हाँ वो उस गेम के अंदर बुला रही है सनर को। और ऐसे कहते हुए रे को कहती है कि मुझे बहुत जल्दी में हूँ इसीलिए यहाँ से निकलता हूँ, और चली जाती है। रे को यहाँ पर पता चल गया कि हाँ वो उस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसने बहुत एनर्जी ड्रिंक खरीदा है इसलिए, और इसलिए शायद रे भी घर जा रही है इसी गेम को खेलने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर सनर को आ चुकी है अपने घर के अंदर और उस गेम को खेलने के लिए एकदम रेडी है, और अपने आँखें को खोलते हुए देखती कि हाँ उसके सामने ईमेल खड़ी है। सनर को यहाँ पर उठता है और ईमेल से कहती है मेरे लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि मैं विदेविन द टॉम गार्ड से लड़ाई करूँगा, ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हें अपनी पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब सुनते हुए अमल एकदम ही भाई हैरान में पड़ जाती है। वो सनर को ये सब देखते हुए कहते हैं क्या हुआ विदेविन के साथ फाइट करना। सनर को ये देखते हुए एकदम ही हैरान है कि ईमेल इतना डर क्यों रही है। ईमेल ये पर जल्दी से अपने दरवाजे खोलती है, अपनी जगह जाती है
मुझे अपने पिताजी को बताना होगा इसके बारे में। सनरो को यह देखने में एकदम ही हैरान है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, और देख सकते हैं मतलब बहुत पहले का सीन जहाँ पर सनरो को एक क्वेश्चन कर रहा है, तुमने कहा हम तीनों एक साथ हैं लेकिन मैं किसी एक पार्टी के अंदर ज्वाइन हूँ, तो फिर उसके बारे में क्या मतलब कि हाँ वो यहाँ पर उस बनी के बारे में बात कर रही है। आर्थर यहाँ पर बताती है अगर तुम उसकी केयर करते हो तो फिर इस सब चीज़ से उसे दूर ही रखो। सनरो कहता है लेकिन क्यों? आर्थर कहते हैं क्योंकि एक बार जब एनपीसी मर जाता है और दूसरे देख सकते मल को यहाँ पर वो बहुत चिंतित है और कह रही है बहुत भयानक है क्योंकि वो कभी वापस नहीं आते, और अमल कह रही है डैडी अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।